इटली एम्बैसी दे विच केरियां केरियां चीज़ां चाहीदियां ने, केरे केरियां रिक्वायरमेंटां चाहीदियां ने, केरे केरे डाकूमेंट्स चाहीदे ने वर्क वीज़ा अप्लाई करन वास्ते। जे तुसी एम्बैसी दे विच वर्क वीज़ा अप्लाई करन चले हो इटली एम्बैसी दे विच, ते मैं तुहानू दसना वा कि केरियां केरियां चीज़ां केरे केरे कागज़ पत्र चाहीदे ने वीज़ा अप्लाई करन वास्ते। जे तुसी VFX ग्लोबल दे जरिए भी अपने कागज़ पत्र सेंड कर दियो, फिर भी तुहानू दसांगा कि उहदा की प्रोसीज हुंदा वे, उहदे वास्ते केरे केरे कागज़ चाहीदे ने। मित्रों सबसक्राइब करो ते वीडियो नू शेयर जरूर करना है। वीडियो नू शेयर करोगे मित्रों ते तुहाडे कमेंट हर एक कमेंट दा रिप्लाई दिता जाएगा। लो जी मित्रों गल करने आ, इटली दे विच तुसी अपॉइंटमेंट ले लैंदे हो, इटली दी एम्बैसी चों अपॉइंटमेंट तुसी ले लैंदे हो वर्क वीजे दी, सीजनल वे या फिर नॉन सीजनल है नो मैटर, दोहां दा सेम ही प्रोसीज है, सेम ही रिक्वायरमेंट ने, कोई भी चेंजिंग नहीं है। लो जी मित्रों तुहाडा आ गया नोलाउस दा इटली तों, सीजनल वे या नॉन सीजनल, तुहाडा नोलाउस दा इटली तों आउंदा है, वह नोलाउस दा जिहड़ा एक साल दे विच विच जिस दिन तुहाडा नोलाउस दा निकलदा है उस दिन तों लैके ते एक साल दे विच विच तुसी अपॉइंटमेंट लैनी हुंदी है। मित्रों वह नोलाउस दा लैंदे हो, तुसी अपना पासपोर्ट लैंदे हो, बस और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए है। हाँ कुछ करैक्टर सर्टिफिकेट भी मंगते हैं, तुसी करैक्टर सर्टिफिकेट भी नाल ला लियो, तो अपना वो जरा पोलियो के कतरे होंगे ने उनका कार्ड भी नाल ला लियो, बड़ी ही जी फैल होंगी तगड़ी हो जाती हो, जोड़े को टीके शीके लगते हैं लत्तां लुत्तां वास्ते वह भी ला लियो। तो हूँ है नवी जी जी आ गई है अपना करोना वैक्सीन का कार्ड, वह भी नाल ला लियो, ऑनलाइन करवा लियो कि बड़ा चंगा वे। पासपोर्ट हो गया तुहाडा मित्रों, उस तो बाद हो गया नोलाउस दा हो गया तुहाडा, फिर हो गया तुहाडा मित्रों वो जिहड़ा कार्ट वे लाइक तुहाडी जिहड़ी करैक्टर सर्टिफिकेट दा कार्ट हो गया मित्रों। तो चौथे नंबर ते जिहड़ी चीज़ चाहीदी होवे करोना दी वैक्सीन, ये चार चीज़ां जिहड़ियां ने ना इटली दा वर्क वीज़ा अप्लाई करन चले हो सीजनल वे या फिर नॉन सीजनल वे, ये चार चीज़ां लैके तुसी एम्बैसी दे विच टुर जाओगे ते मित्रों तुहाडा इंटरव्यू हुंदा है वैल एंड गुड, बगैर इंटरव्यू तो लभदा है तो फिर तो और बड़ी चंगी गल है। इन्हां चीज़ां दे सिर ते वर्क वीज़ा लभदा वे मित्रों। मैं कुछ ऐसे वीर भी वेखे ने जिन्हां VFX ग्लोबल दे जरिए फाइलां सबमिट करवाइया सन, तो उन्हां दा भी इंटरव्यू होया वे, उन्हां नूं बकायदा एम्बैसी बुलाया गया वे, एम्बैसी जाके उन्हें इंटरव्यू दिता है। जे तुसी VFX ग्लोबल दे जरिए फाइल अपना जमा करवाते हो मित्रों ते उहदे वास्ते भी वो हिसाब किताब है, कोई भी अपना को वध शै नहीं चाहीदी है। एम्बैसी की फीस की गल करिए ते मित्रों 80 यूरो इहदी फीस है, 7,150 रुपये इस टाइम बनन डे ने मित्रों, 80 यूरो इहदी फीस है, 80 यूरो तुसी फीस पे करनी है ते तुहानू अपॉइंटमेंट जिहड़ी है वह लभ जानी है। तो जे तुसी VFX ग्लोबल दे जरिए अपने कागज़ पत्र सेंड कर दियो मित्रों ते वह तुहानू 16 या फिर 17 यूरो जिहड़े ने वो एक्स्ट्रा देने पैने ने मित्रों। तो मित्रों ये सारिया चीज़ा चाहीदियां ने सीजनल नॉन सीजनल वर्क परमिट वास्ते अपॉइंटमेंट वास्ते। तो तुहाडे ज़हन दे विच होर कोई भी सवाल है एम्बैसी के कागज़ पत्रां दे रिलेटिड, एम्बैसी के डाकूमेंट्स के रिलेटिड, तो मित्रों थले कमेंट बॉक्स के जरूर दस्यो। इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर करना मित्रों, हर एक वीर भरा अगे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल उत्ते जिहड़ी भी वीडियो असी अपलोड करने आ मित्रों वीर बन के भरा बन के शेयर करिया करो। उहदा रीज़न ये मैं तां हर एक वीडियो दे विच बहुता तो बहुता आना शेयर करिया करो मित्रों। तुसी शेयर करोगे किसी ना किसी वीर दा भला होइएगा। एजेंट दो नंबरियां करन तो बाज नहीं आउंदे, इंडिया दे विच सिर्फ अपॉइंटमेंट दवान दा अपॉइंटमेंट दे कागज़ पत्र देन दा एजेंट जिहड़े ने वह 7,000 रुपया फीस ला लो, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया लैन डे ने। तो आप ही तुसी अंदाजा ला लो, तुसी आप अपॉइंटमेंट बड़े सौखे तरीके दे नाल लै सकदे हो, कोई एडा को वड्डा चौड़ा काम नहीं है मित्रों। मित्रों वीडियो नू शेयर करो, इस वीडियो नू वध तो वध शेयर करो, ते तुहाडे ज़हन दे विच कोई भी सवाल है थले कमेंट बॉक्स दे विच पुछो। रब राखा।